दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके सामने कुछ नए के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो समर सीजन में आपको बहुत पसंद आएगी। गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो ये आपको काफ़ी रिफ्रेश महसूस कराएगी। हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, तो कुछ पत्तियाँ मैंने ली हैं पुदीना की, तो आप देख सकते हो इतनी पत्तियाँ हैं। 4 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 1/4 कप मैंने लेमन जूस लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 गिलास पानी लिया है। ज़रूरत पड़ने पर हम आधा गिलास और यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट मिट मार्गरीटा बनाना। तो सबसे पहले हम ये कुछ पुदीने की पत्तियों को साइड में रख लेते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी पत्तियाँ साफ धो, कुछ पत्तियाँ हमने थोड़ी सी छोड़ी हैं बाद के लिए, बाकी मैं सबको डाल देती हूँ। जो 1 गिलास पानी लिया था इसको भी डाल देंगे। हमने लिया था साथ में लेमन जूस, हम ये भी डाल देंगे। शुगर हम बाद में डालेंगे, पहले इसे एक बार पीस लेते हैं। ये मेरा पीस के रेडी हो गया है। जो हमने 4 टेबल स्पून शुगर ली थी ये भी हम इसमें डाल देंगे। बाकी 1 छोटा चम्मच नमक लिया था ये भी इसमें डाल देंगे। एक बार इसे फिर पीस लेते हैं। ये हमारा पीस के रेडी हो गया है, किसी और बर्तन में इसको छान लेते हैं। 1 गिलास लेती हूँ, इसमें इसको छान लेते हैं इस तरीके से। इसे स्पून की मदद से इसको इस तरह का निकाल लेते हैं, इसका सारा जूस को हम साइड में कर देते हैं। ये हमें जूस बन के रेडी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना, एक हम ट्रे लेंगे, उसमें हमने दोनों ग्लास रख दिए। थोड़ा सा ये जूस डालेंगे इसमें। इस तरह मैं सारी आइस को इन ग्लासेस में डाल लेती हूँ। लिया था उसको हम अच्छे से हमने ये ग्लास आइस से भर के ऊपर से जूस डाला और कुछ इस तरीके से। तो फाइनली दोस्तों, हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी हो गया है। ये काफ़ी फेमस ड्रिंक है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलती है। ये आपको बन के तैयार हो गई है। ये गर्मियों के सीज़न में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आपको एक तरोताज़ा महसूस कराएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।